दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप भी हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों, ये वायरस पिछले चंद दिनों में चीन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक तहलका मचा रखा है इस वायरस ने, जिसका नाम है कोरोना वायरस। दोस्तों, आज मैं आपको इस वायरस की सच्चाई के बारे में बताऊंगा कि ये वायरस चीन में, ये वायरस आना नहीं था, ये वायरस कैसे आया है। आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, हकीकत बताऊंगा। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि उन्होंने कोई प्रैक्टिकल वगैरह किया है, ये चमगादड़ जो होती है, बैट्स जिसे हम कहते हैं, इसका उन्होंने यखनी वगैरह निकाल के पी है। कुछ लोग कह रहे हैं वैसे खाई हैं इन्होंने चमगादड़ वगैरह। तो दोस्तों, ठीक है, अगर उन्होंने चमगादड़ वगैरह भी खाई हैं या उसकी यखनी वगैरह उन्होंने पी है, ठीक है, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से इंसान को मना किया है, अगर इंसान जब वो काम करता है, जारी बात है उसके कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी जो मेन वजह है, आपने अक्सर देखा होगा जो दुनिया के बड़े बड़े जैसे बिल गेट्स, वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट मैन है बिल गेट्स दुनिया का, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, उस शख्स ने भी अपनी काफ़ी ज़्यादा जो उसके टॉपिक्स वगैरह होते हैं या उसकी जो तकरीरें वगैरह होती हैं उसके अंदर वो भी ये बात खुल्लम खुली कहता हुआ नज़र आ रहा है कि पॉपुलेशन जो है उसे कम किया जाए, यानी कि जो आबादी है दुनिया की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसे कम किया जाए। जितने भी, आज मैं आपको जो इसका मेन जो इसकी बेस है मैं आपको उसकी तरफ लेके जाता हूँ। जो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, वो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने क्लियर वर्डिंग में एलुमिनाटी रियलिटी, एलुमिनाटी दज्जाल के बारे में बताया था। इनके जो पीछे मेन जो हाथ है वो उन्हीं तंजीमों का है, क्योंकि दोस्तों देखें, जैसा कि अभी उनके पीछे जारी बात है कि इन तंजीमों का हाथ है, क्योंकि वो अपनी हर टॉपिक्स में वो ये बात कहते हैं। कि इसके अलावा जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको दो तीन ऐसे, हो सकता है मैं आपको उनकी वॉइस वगैरह भी सुनाऊँ जो अपने टॉपिक्स में कह रहे हैं कि पॉपुलेशन है जो उसे कम किया जाए। अभी आपको पता है यहाँ का सबसे ज़्यादा आबादी में जो रकबा आता है, 1.5 अरब के करीब मेरे ख्याल से जापान की आबादी है, तो उन्होंने सबसे पहले जो है दोस्तों भाव के सामने इतनी ज़्यादा आबादी है, अब उनको पता है कि जब इधर से आबादी हम कम करनी शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली। कुछ कुछ बयानात में ये भी आया है कि ये दुनिया की आबादी जो 7.5 बिलियन आबादी है दुनिया की, ये उसमें से 7 बिलियन आबादी ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ 500 मिलियन यानी कि 0.5 बिलियन आबादी जो है ये कहते हैं कि वो सही है, जो बाकी आबादी है 7 बिलियन वो कहते हैं जी कि ये लोग फजूल हैं, ये सिर्फ जो दुनिया की खाना या पीना है या ये दुनिया की चीज़ों का फजूल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका दुनिया के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत में बिल्कुल गलत है, इस तरह का किसी किस्म का कोई काम नहीं। हमें अल्लाह ताला ने हर इंसान को अल्लाह ताला ने भेजा है, उसका कोई ना कोई मकसद है, अल्लाह ताला ने हर कोई अपना कोई ना कोई मकसद पूरा करने आया है, तो जिस वक्त उसका मकसद पूरा हो जाता है अल्लाह ताला उसे अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि अब टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके हम लोगों के अंदर कोई ऐसा वायरस डाल दें या कोई ऐसा काम कर दें कि लोग जो है वो ऑटोमेटिकली उनकी तादाद कम होने लग जाए। और ये जो इनका टारगेट है, ये कहते हैं 7 बिलियन जो आबादी है हमने ये ख़त्म करनी है, और जो सिर्फ और सिर्फ 500 मिलियन आबादी रह जाएगी, 0.5 बिलियन जिसे कहते हैं, वही सिर्फ ठीक है, उसके अलावा जो 7 बिलियन आबादी है वो सारी जो है वो यानी कि दुनिया का माल और जो ये एशिया वगैरह है वो फजूल में जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है बाकी 7 बिलियन का। तो ये अपने इरादों में जो है ये कामयाब होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस जो है फैमिलियों तक जा रहा है, एक फर्द को हुआ है, उसके बाद ये आगे का आगे, अभी आपने मैं आपको पीछे पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई हैं कि हर इंसान को मास्क वगैरह पहनाया जा रहा है। या इससे बचने का एक ही तरीका है कि दोस्तों आप अपने हैंड वॉश करें, अपने हैंड वॉश करने के बाद गंदे हाथों के साथ आप खाना ना खाएं, अपने हैंड वॉश करके उसके बाद आप खाना वगैरह खाएं कोई भी, या कोई छींक वगैरह मारता है तो उससे दूर रहें, उसके करीब थोड़ी देर के लिए ना जाएं। तो यही थोड़े से इसके तरीके हैं इससे बचने के। बकाया मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा टॉपिक इसका लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको तसल्ली के साथ बताऊँगा कि इन लोगों का क्या मकसद है और ये दुनिया के साथ क्या करना चाह रहे हैं। और दोस्तों, कई सुनी बात में अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ कर देना। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रॉपर आपको बताऊंगा कि ये इनका क्या एजेंडा है और ये क्या करना चाह रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।